आपने वो कहावत तो सुनी होगी, एक अनार 100 बीमार। मान लीजिए ऐसी ही परिस्थिति आपके घर आ जाए तो आप क्या करेंगे? अनार या दवा किसे पिलाएंगे? कौन से बच्चे को बचाने की कोशिश करेंगे? कौन से बच्चे की जान आपको कम प्यारी है? कौन से बच्चे को आप राम भरोसे छोड़ देंगे? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि हर बच्चा आपका है, आपकी जान है। लेकिन आप कर भी क्या सकते हैं? कुछ नहीं, क्योंकि आपके पास कोई चारा नहीं है, आप निस्सहाय हैं। अब मान लीजिए यदि बीमार केवल एक या दो होते तो कितनी आसानी होती, आप सबको बचा पाते, है ना? इसीलिए तो वर्षों से ये कहावत भी चली आ रही है कि छोटा परिवार सुखी परिवार। प्रकृति से ही उदाहरण ले लीजिए, छोटे छोटे जानवर जैसे कुत्ते और बिल्ली 8-10 पिल्लों को जनते हैं, लेकिन शेर केवल एक या दो। आप इस गांव में नए नजर आते हैं? जी, मुझे सुरेश गुप्ता कहते हैं और मैं जन कल्याण विभाग में नौकरी करता हूँ। अच्छा, तो आपकी इस गांव में नई नई पोस्टिंग हुई है? जी नहीं, जन कल्याण विभाग में मैं नौकरी जरूर करता हूँ, लेकिन जन कल्याण मेरा शौक भी है। अरे वाह, आपकी शौक की जितनी तारीफ की जाए कम है। वैसे हमारे गांव? मैंने एक सप्ताह के लिए आपके गांव में छोटे परिवार की जागरूकता फैलाने का निश्चय किया है। बहुत खूब, बहुत खूब। आप जैसे लोगों की सेवाओं की इस गांव को ही नहीं बल्कि देश के सारे गांव को सख्त जरूरत है। लेकिन माफ कीजिए, मैंने आपका नाम नहीं पूछा। मुझे जगन कहते हैं, मैं यहाँ के स्कूल का मास्टर हूँ। आप ही की तरह जन कल्याण में मेरी रुचि है। अरे तब तो मैं बिल्कुल सही आदमी से टकराया हूँ। मैं कहना भी यही चाहता था कि मैं अकेला इस जागरूकता को नहीं फैला सकता, मुझे आपकी और गांव के अन्य लोगों के सहायता की जरूरत पड़ेगी। आप निश्चिंत रहिए, मेरी तरफ से जितना हो सकता है मैं करूँगा। साथ में गांव के अन्य लोगों को भी आपसे मिलाकर हम लोग एक अभियान शुरू करेंगे। हाँ, एक अभियान ही कहिए, क्योंकि आज हमारा और हमारे देश का भविष्य हमारी बढ़ती हुई आबादी के कारण गर्दिश में है। बिल्कुल गुप्ता जी, लेकिन आज भी लोग इस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मानसिकता और सोच, मास्टर जी, मानसिकता और सोच, इन दोनों को बदलने की जरूरत है, और ये जितनी जल्दी होगा उतना अच्छा होगा। वैसे आपके गांव के लोग क्या इस बारे में सुनना चाहेंगे? अगर आप सुनाने निकले तो शायद ही कोई सुने, लेकिन अगर आप समझाने निकले तो शायद लोग समझ जाएं। एक मास्टर से बेहतर कौन जानता है। अच्छा गुप्ता जी, मैं चलता हूँ, मेरे स्कूल का वक्त हो रहा है। अच्छा जी, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मुझे भी। आप यहीं लोगों के घर जाकर अपना प्रचार शुरू कीजिए, मैं स्कूल के बाद आपसे मिलता हूँ। जी अच्छा मास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? हमारा नाम घनश्याम दास है। आपका पेशा क्या है? हम खेतों में काम करते हैं। आपके कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं, सारी लड़कियां। लेकिन आपकी पत्नी तो अभी फिर से गर्भवती लगती है। हाँ, भगवान करे इस बार लड़का हो। और अगर लड़का नहीं हुआ तो? अरे काहे साप देते हो सहरी बाबू, हम पहले से ही बहुत परेशान हैं। अब इतने बच्चे होंगे तो परेशानी तो होगी ही ना। हम उस वास्ते परेशान नहीं हैं सहरी बाबू, परेशान इसलिए हैं कि हमें हमार वंश को आगे ले जाने वाला चाहिए। लेकिन आपकी लड़कियां भी तो आपका वंश आगे ले जा सकती हैं। लोकल लो बात। अरे लड़कियां कैसे वंश आगे बढ़ाती हैं? वे तो दूसरों के वंश को बढ़ाती हैं, वो भी लड़का जनने पर।
देखिए घनश्याम दास जी, आपकी लड़कियां भी तो आप ही का खून है, तो फिर उनके बच्चे चाहे वो लड़के हो या लड़कियां, आप ही के वंश के हुए ना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है सहरी बाबू, ये बात तुम्हारे सर में ठीक लगती होगी, हमारे गांव में नहीं। नहीं घनश्याम दास जी, शहर में भी तो आप ही की तरह के लोग रहते हैं, तो वहां ये बात ठीक और यहां गलत कैसे हो सकती है। देखो सहरी बाबू, हम ठहरे देहाती, हमार मान्यता हमार पास रहे, हम उसी में संतुष्ट हैं। क्या आपको केवल अपनी ही संतुष्टि देखनी चाहिए? का मतलब? आपने कभी अपनी पत्नी की संतुष्टि या उसकी बात सुनने की कोशिश की है? वो औरत है बाबू, वो क्या राय देगी? लेकिन इंसान तो है, उसकी भी तो कोई राय हो सकती है। उसकी राय जानकर का करेंगे, घर तो हम ही चलाते हैं। लेकिन जन्म तो वो ही देती है, यातना और पीड़ा तो वो ही सहती है। अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना बाबू, का करें, सहना तो पड़ेगा ही। पर यहां तो पाना कुछ भी नहीं है, सब खोना ही खोना है। का खोना है बाबू? अब देखिए घनश्याम दास जी, आपके 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों को जन्ने में आपकी पत्नी का स्वास्थ्य कितना गिर गया है, क्या ये खोना नहीं है? आप जितना कमाते हैं उसमें सबका पेट बराबर नहीं भर पाता, क्या ये खोना नहीं है? अरे जाओ सहरी बाबू, जब तक लड़का नहीं मिलता जिंदगी ही खोना है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? का समझाएंगे बाबू, आप हमारी परेशानी ही नहीं समझ पा रहे हैं, आप का समझाएंगे? कह जो भी जमाने को कहने दो, बस दो को दो ही रहने दो। कह जो भी जमाने को कहने दो, बस दो को दो ही रहने दो। बस दो को दो ही रहने दो। छोटा परिवार ही तो सुखी परिवार है, खुशियों से इसमें हरा भरा संसार है। छोटा परिवार ही तो सुखी परिवार है, खुशियों से इसमें हरा भरा संसार है। प्यार ही प्यार से हर दिन त्योहार है, इन नन्हे नन्हे गुलों से ही जीवन गुलजार है। चाहे जो भी जमाने को कहने दो, बस दो को दो ही रहने दो। चाहे जो भी जमाने को कहने दो, बस दो को दो ही रहने दो। जितना हो परिवार बड़ा उतना ही दुख होता है, मुश्किलों में ही पड़ा ये दिल हरदम रोता है। जितना हो परिवार बड़ा उतना ही दुख होता है, मुश्किलों में ही पड़ा ये दिल हरदम रोता है। हर दिन कोई नई मुसीबत घर पे आ जाती है, एक पल फिर चैन से वो कहाँ सो पाते हैं। चाहे जो भी जमाने को कहने दो, बस दो को दो ही रहने दो। 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 ला 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 ला।
क्या बात है सावित्री बहन, आज बड़ी देर लगा दी। अरे क्या कहें अनीता बहन, माँ धनश्याम के घर देर लग गई। क्यों, क्या हुआ, उसकी पत्नी ने बच्चा जना? अरे कहाँ अनीता बहन, वे कमजोर कहाँ बर्दाश्त कर पाती। तो फिर दाई ने तो कहा कि उससे नहीं हो सकता। ये हमारे गांव वाले कब तक दाई के भरोसे बैठेंगे। इसलिए हमने मिलकर उसे अस्पताल भेज दिया था। आप वहाँ गई थी? हाँ, इसलिए तो इतनी देर हो गई। डॉक्टर साहब ने क्या कहा? उन्होंने तो पिछली बार ही घनश्याम को चेतावनी दे दी थी, पर वह है कि अपने लड़के की चाह में अपनी पत्नी की भी जान लेने पर तुला हुआ है। अच्छा, इस बार डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने कह दिया कि वह शायद ही बच्चा और जच्चा दोनों को बचा पाएंगे। तो घनश्याम ने क्या कहा? वो क्या कहेगा, वो तो ये जानने को इच्छुक था कि बच्चा लड़का है या लड़की। उसकी पत्नी की इस गंभीर अवस्था में भी? यही तो रोना है अनीता बहन, कि अपने लड़के की चाह में वे इंसानी मर्यादाओं को भी भूल रहा है। और उसकी पत्नी की क्या हालत है? वह बेचारी क्या कहेगी, और कहेगी भी तो किससे। हमें इस पर रोक लगानी चाहिए सावित्री बहन, वरना पुरुषों के इस तरह के झूठे अहंकार और जिद के सामने औरत हमेशा अपने घुटने टेकती रहेगी और अपनी जान गंवाती रहेगी। हमें घनश्याम की पत्नी जैसी औरतों को एक आवाज देनी चाहिए, जिससे वे अपने मन की बात खुलकर कह सके। हाँ बिल्कुल। अच्छा तो फिर डॉक्टर साहब ने क्या किया? उन्होंने वही किया जो एक इंसान को इंसानियत के तौर पर करना चाहिए, उन्होंने घनश्याम की पत्नी को बचा लिया। और बच्चा, उसका क्या हुआ? होना क्या था, उसके नसीब में इस दुनिया में आना ही नहीं था, वह मर गया। बच्चा क्या था, लड़का या लड़की? भगवान की लीला कहिए या उसका खेल अनीता बहन, बच्चा लड़का था। हाय राम, बेचारा घनश्याम, शायद उसके नसीब में लड़का लिखा ही नहीं है, इसीलिए तो उसके दहलीज तक लड़का लाकर वापस बुला लिया भगवान ने। ऐसा तो तुम और मैं समझते हैं अनीता बहन, लेकिन घनश्याम ऐसा क्यों समझे? क्यों, उसकी सोच उसे क्या समझाती है? उसकी सोच और उसकी समझ दोनों हमारी समझ के परे है। घनश्याम भाई, जो कुछ भी हुआ उस पर मुझे काफी अफसोस है। अब ऊपर वाले का खेल देखिए मास्टर जी, उसने हमें ही संदेशा तो दे दिया कि हमारा कुलदीपक आने वाला है, लेकिन फिर भी इंतजार करने को कहता है। क्या मतलब? अरे जब उसने हमें लड़का देने की ठान ही ली है तो इस बार ही दे देता, काहे इसे मार दिया, अगली बार के लिए रुकने को कहता है। यानी तुम एक और बार कोशिश करना चाहोगे? अरे भगवान की इच्छा के विरुद्ध हम और कोई कदम उठा भी सकते हैं मास्टर जी? वो तो चाहता है कि हमारा लड़का हो, इसी का तो उसने संकेत भी दिया था। घनश्याम दास, तुम बिल्कुल उल्टा सोच रहे हो। ये समझने की कोशिश करो कि भगवान तुमसे ये कह रहा है कि घनश्याम बेटा अब बस करो, तुम्हारी किस्मत में केवल 5 ही संतानें लिखी हैं। अरे का कहत हो मास्टर जी, एक तो हम पहले ही से परेशान हैं, ऊपर से आपकी बातें हमें चोट पहुंचा रही हैं। बातें अगर चोट पहुंचा रही हैं घनश्याम, तो इसका मतलब यह है कि कहीं बात तुम्हें चुभ रही है, लेकिन तुम नब्ज सही नहीं पकड़ रहे हो। नब्ज तो आप सही नहीं पकड़ रहे हैं मास्टर जी, आप हमार व्यथा का कारण नहीं जान पा रहे हैं। मैं तुम्हारी व्यथा का कारण जानता हूँ घनश्याम, मैं तो तुम्हें ये समझा रहा हूँ कि तुम्हारी व्यथा किसी और विषय को लेकर होनी चाहिए। अब हम ही इतने परेशान हैं तो और कौन विषय को लेकर परेशान हो मास्टर जी? अरे घनश्याम, जरा अपनी सोच पर जमे धूल को झटकने की कोशिश करो, अपनी आंखें खोलो। अब और क्या आंखें खोले मास्टर जी? तुमने अपनी पत्नी की हालत देखी है? हाँ, कमजोर हो गई है, अब वो तो होगी ही बेचारी, उसका भी तो बेटा मरा है। घनश्याम, दुख तो हर स्त्री को बेटा मरने या बेटी मरने पर बराबर ही होता है, मैं उसके स्वास्थ्य के बारे में कह रहा था, अब उसमें वो शक्ति नहीं कि वो तुम्हारे और बच्चों को जन्म सके। अरे आप तो डॉक्टर साहब के मुंह की बात कर रहे हैं मास्टर जी, ये कौन सी नई बात है, आप मेरा विश्वास देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं ना? तुम्हारा विश्वास अंधा है घनश्याम, लेकिन तुम तो अंधे नहीं हो, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने है, उसकी हालत तुम्हारे सामने है, तुम्हारी 5 लड़कियां तुम्हारे सामने हैं,
उनकी जिंदगी तुम्हारे सामने है, लेकिन फिर भी तुम इन्हें देखने से इनकार कर रहे हो और वो देखने की कोशिश कर रहे हो जो है ही नहीं। अब ये बड़ी बड़ी बातें हम का समझे मास्टर जी। ठीक है घनश्याम, इतना होने देखने और सुनने के बावजूद भी अगर तुम अपनी सोच को नहीं बदल पा रहे हो तो कोई क्या कर सकता है, भगवान तो है ही, न्याय करेगा। इसे कहते हैं आंधे घड़े पर पानी डालना, जितना भी डालो ऊपर से बहकर चला जाता है, भरता ही नहीं। घड़ा तो उस वक्त भरेगा जब घड़े को सीधा किया जाए, यानी उसका मुंह ऊपर की तरफ करके उसमें पानी भरना चाहिए। अब घनश्याम औंधा घड़ा है, लेकिन उसकी पत्नी ऐसी क्यों है? उससे यदि बात की जाए तो शायद बेहतर होगा, उसके लिए भी और घनश्याम के परिवार के लिए भी। अब उसकी पत्नी को समझाने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? अरे अपनी अनीता है ना, वही ये काम कर सकती है। अब तबीयत कैसी है रामकली? बहुत कमजोरी है अनीता बहन। कोई बात नहीं, सही वक्त पर खाना और दवाई लेती रहना, जल्दी स्वस्थ हो जाओगी। भगवान ने मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक किया है अनीता बहन, लड़का जनकर भी मैं मेरे बच्चों के बापू को लड़का नहीं दे पाई। अगर पैदा होने वाला लड़के की जगह लड़की होती तो क्या तुम्हारी कमजोरी कम हो जाती या तुम्हारा दुख कम हो जाता? आप तो खुद औरत है, आप तो जानती हैं कि औरत के लिए हर बच्चा उसके जिगर का टुकड़ा होता है, लड़का या लड़की। तो तुम इतने दुखी क्यों हो? बच्चों के बापू की इच्छा पूरी नहीं हो पाई, इसलिए बेचारे लड़के की आस में दिन रात परेशान रहते हैं। तो तुम उनके लिए लड़का चाहती हो? जी अनीता बहन, लड़का उनके हाथ में सौंप कर यदि मैं मर भी जाऊं तो मेरा जीवन साकार हो जाएगा। मर तो तुम वैसे भी जाती, किस्मत ही समझो कि बच गई, लेकिन हर बार किस्मत साथ नहीं देती। मैं तो कह ही रही हूँ अनीता बहन कि मैं मरने को तैयार हूँ, बस बच्चों के बापू को एक लड़का दे दूँ। रामकली, तुम्हारा मतलब है कि एक लड़के के लिए तुम अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो? हाँ अनीता बहन बिल्कुल। यानी लड़के की जान तुम्हें ज्यादा प्यारी है? हाँ अनीता बहन। अरे बेवकूफ औरत, अगर तू ही नहीं बचेगी तो तू बच्चा कहाँ से जनेगी? डॉक्टर के कहने के बाद भी तेरी खोपड़ी में घुसती नहीं बात? क्या कहा डॉक्टर ने? यही कि 5 बच्चों को जनने के बाद अब तुझमें इतनी शक्ति रह ही नहीं गई कि तू गर्भ धारण कर सके। हाय दया, और क्या कहा डॉक्टर ने? और अगर तूने कोशिश भी की तो ना तो तू बचेगी और ना ही तेरा बच्चा। लेकिन बच्चों के बापू ने तो कुछ कहा ही नहीं। वो तो अंधा और बहरा हो गया है, तू क्यों उसके सुर में ताल मिला रही है? मतलब मैं बच्चा जन ही नहीं पाऊंगी? हाँ। अब क्या करूं? अपने बच्चों के बापू को समझाने की कोशिश कर। देख रामकली, एक बच्चे के लिए अपने 5 बच्चों की जिंदगी को चूल्हे में मत फूंक। ये क्या कह रही हो अनीता बहन? रामकली, अगर तू नहीं रहेगी तो तेरे 5 लड़कियों की परवरिश कौन करेगा? क्या घनश्याम अकेला ऐसा कर सकता है? नहीं, वे बेचारे काम में व्यस्त रहते हैं, वे कैसे संभाल सकते हैं? देख अभी तो लड़कियां छोटी है, जैसे जैसे बड़ी होगी उन्हें अपने बापू से ज्यादा तेरी जरूरत पड़ेगी, ये तो अच्छी तरह जानती है। हाँ वह तो है। माँ के सहारे के बिना लड़कियों की जिंदगी गहरे समुद्र में तैरती हुई नैया की तरह है, कहीं छोर नहीं कहीं किनारा नहीं। तू ऐसा चाहती है? बोल, तू ऐसा चाहती है? हरगिज नहीं अनीता बहन, हरगिज नहीं। अच्छा हुआ जो आपने मेरी अक्ल की खिड़की खोल दी, वरना मैं तो। अपने पति को भी समझा, वह समझ जाए कि बच्चे चाहे लड़कियां हो या लड़के, जितने भी कम हो उतने ही अच्छे हैं। बच्चों के बापू, आप हमसे नाराज तो नहीं हैं? अरे का बात करत हो रामकली, हम काहे नाराज हो? हम आपको लड़का नहीं दे पाए हैं इसीलिए। इसमें तो हार का दोष है, ये तो भगवान का ही मर्जी है कि हम और इंतजार करें। और यदि हमारा इंतजार कभी खत्म ना हो तो आप दूसरा ब्याह रचाएंगे? का भाई की बात करत हो, हम काहे दूसरा ब्याह रचाएंगे? हमारे बच्चों को हम काहे सौतेली माँ देंगे? हाँ
तो फिर मेरे मरने के बाद आप बच्चों को कैसे संभालेंगे? अरे रामकली, रात को सोने से पहले मरने वरने की बात नहीं करते, सो जाओ। बच्चों के बापू, हमें बहुत डर लागत है। काहे? अरे काहे, हम है ना तुम्हारे साथ। आपका साथ छूटने का डर है। अरे शुभ शुभ बोल रामकली, शुभ शुभ बोल। हाँ लेकिन बच्चों के बापू, अगर हम मर जाएं तो? अरे रामकली, हम कह तो रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। होगा बच्चों के बापू, होगा, हम मर जाएंगे। अरे अरे, तू मर गई तो हमार का होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा? तू नहीं मर सकती, नहीं मर सकती है तू। हाँ लेकिन डॉक्टर ने कहा है। डॉक्टर तो कहे है कि तू कुछ दिन में स्वस्थ हो जाएगी, कुछ नहीं होगा तो है। अभी नहीं लेकिन बाद में। बाद में मतलब? अगर हमने एक बार और गर्भ धारण किया तो हम मर जाएंगे, फिर हम आपको लड़का दिए बिना ही इस दुनिया से चले जाएंगे। अरे रामकली, हमें लड़का चाहिए और तुम ही से चाहिए, वरना नहीं चाहिए हमें लड़का। आप सच कह रहे हैं जी? रामकली, हमार वंश में आज तक किसी ने दूसरा शादी नहीं किया है, हम परंपरा नहीं तोड़ सकते, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। हाँ लेकिन हम तो अब कोई भी बच्चा जन्म नहीं सकते, डॉक्टरों ने कह दिया है। क्या कहा डॉक्टरों ने? यही कि अब की बार अगर हमने गर्भ धारण किया तो प्रसव से पहले ही हम मर जाएंगे। हाँ? ऐसा कहा डॉक्टरों ने? हाँ जी, मैं आपको लड़का नहीं दे सकी, हाय मैं मर जाऊंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं बिन माँ के हो जाएंगे। अरे कुछ नहीं होगा हमारे बच्चों को, कुछ नहीं होगा तो है, हमें लड़का नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें लड़का, हमको शांति चाहिए बस, हमको लड़का नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। काश यही बात आप बहुत पहले कह दिए होते, हमारे केवल दो ही बच्चे होते और हम इससे ज्यादा सुखी होते। गलती तो आज भी है, तूने हमें पहले इस तरह काहे नहीं समझाया। मैं आपकी खुशी? अरे हमार खुशी का तो हर खुशी से बड़ी है, चलो जो हो गया सो हो गया, अगले जन्म में हम केवल दो ही बच्चा पालेंगे, लड़का या लड़की बस। घनश्याम दास की समझ में तो बात आ ही गई, चाहे उसे समझाने के लिए किसी स्त्री के आंसुओं की ही जरूरत क्यों ना पड़ी हो, लेकिन बात तो मन की गहराई में बैठ गई। छोटे परिवार की बात को समझने और समझाने के लिए चाहे कोई भी रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े, अपनाना चाहिए, क्योंकि यही आज की हमारी जरूरत है। छोटे परिवारों में दिक्कतें कम होती है, परेशानियां कम होती हैं, खर्चे कम होते हैं और लड़ाइयां भी कम होती है। ज्यादा होते हैं तो वो है खुशियां, हंसी, विकास, भर पेट आहार, संतुष्टि और संतृप्ति।
को